नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सरमार। बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। इनका शुभ रंग है नीला, हरा और शुभ दिन है शुक्रवार। स्वामी इनके शुक्र हैं और इनका विवाह के लिए सबसे अच्छा होता है मेष राशि का जीवन साथी। भाग्यांक है 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, यानी 6 का अंक आपका भाग्यांक है। और इनका गुण होता है बहुत ही विनम्र, निष्पक्ष, सामाजिक। अवगुण होता है कहीं भी टकराव से बचना, मुसीबत से बचना, शिकायत करना और कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक कमजोर। तुला राशि का पसंद सबके साथ अपनी बातें साझा करना, ये अच्छा लगता है इन्हें। खुला माहौल, खुशी के पल नापसंद। झगड़े, लड़ाई, अन्याय, बिना मतलब के बकबक करना, ये सभी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती है। ये लोग शांतिपूर्वक जीवन जीना पसंद करते हैं। बहुत ही साफ सुथरा लाइफ इन्हें अच्छा लगता है और अकेले रहना इनके लिए मृत्यु तुल्य समान है। यानी अकेले रहने से ये घबराते हैं। हमेशा ही आगे बढ़ने की मानसिकता के साथ ये चलते हैं, लेकिन अकेले नहीं रहते हैं। बुद्धिमान बहुत होते हैं तुला राशि वाले। जैसे वायु होती है हवा का झोंका बहुत तेज़ गति, बिल्कुल वैसे ही तेज़ गति से इनके विचार चलते रहते हैं। इन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, लोगों के साथ हंसी ठिठोली करना, एक खुलापन वाला माहौल, ये सभी चीज़ें पसंद है। इनका स्वामी शुक्र है जो इन्हें विलासिता का सुख देता है। यानी जीवन में अच्छी चीज़ें से प्यार करना, जीवन में सब कुछ इनके पास होना, हर एक वस्तु जिनकी इन्हें आवश्यकता हो सकती है वो चीज़ें इनके पास रहना, ये सभी चीज़ें इनको शुक्र ही देते हैं। और इसी के कारण तुला राशि वाले अच्छा पहनना, खाना, घूमना फिरना, ये सभी चीज़ें इनके गुण होते हैं। वैसे कला संगीत में इनकी रुचि होती है। खूबसूरत जगहों में घूमना इन्हें अच्छा लगता है। हमेशा ही दोस्ताना व्यवहार सबको आकर्षित करता है। जहाँ भी रहेंगे वहाँ ढेर सारे विपरीत लिंगी इनके आसपास रहता है, इन्हें सुनना पसंद करता है, इनके साथ रहना पसंद करता है। आप देखिएगा, ये कभी भी अकेले नहीं रहते, सबके साथ बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए या कहीं पर टकराव होना है, वाद विवाद होना है, तो ये बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें झगड़े लड़ाइयाँ अच्छी नहीं लगती। तुला राशि वाले जीवन में एक इन्हें साथी चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है, जिनसे ये दिल की बातें कर सकें, शेयर कर सकें। और अकेलापन नहीं तो हम बार बार कह रहे हैं, और वैसे तो अगर ये लव लाइफ में है तो अपने जीवन साथी के लिए, अपने भावी जीवन साथी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, हर एक खुशी देते हैं और समर्पण भी चाहते हैं अपने साथी से जितनी ये उनके लिए जीते हैं, बिल्कुल उतना ही। अगर इनके परिवार की बात करें तो हमेशा ही मित्रवत व्यवहार रहता है, यानी दोस्ताना व्यवहार। ये नहीं है कि बच्चे हैं तो बच्चों के पिता माता के रिस्पेक्ट देंगे, नहीं, सबके साथ जैसे लगेगा इनका सब दोस्त ही है। और कभी कभी ये दुविधा की स्थिति में होते हैं, लेकिन इनके दोस्त इन्हें इन चीज़ों से उबार लेते हैं। इन्हें अपनों के बीच समय बिताना अच्छा लगता है और न्यायप्रिय होते हैं। जब भी कहीं न्याय करना हो, दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे और फिर डिसीजन, एक सही फैसला निकाल कर लाएंगे। अगर इनके करियर पैसा की बात करें तो इनके लिए न्याय वाला क्षेत्र अच्छा होता है। पुलिस है, वकील, कोर्ट कचहरी, न्यायाधीश, प्रशासक, इंटीरियर डिजाइनर, संगीतकार, फैशन डिजाइनर, इस तरीके की चीज़, शुक्र प्रधान जो चीज़ें होती हैं ये सभी, या फिर शनि चूँकि इनके राशि का स्वामी है तो उनसे संबंधित चीज़ें इन्हें सूट भी करती है, उस क्षेत्र में जाते भी हैं। अगर ये व्यवसाय करें तो भूमि से निकलने वाली चीज़, कोयला है, माइनिंग है, लोहा है, स्टील है, इन सभी क्षेत्रों का अगर ये काम करते हैं, पेट्रोलियम है, तो इनको ज़्यादा सूट करेगा। और वैसे तो लगभग सभी कार्य इन कर लेते हैं बखूबी, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये शॉपिंग करते हैं तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वही ये खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि इनके फैशन का सेंस अद्भुत होता है। हर कोई कायल होता है इनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, और हमेशा ही आप इन्हें शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, ये सभी चीज़ें इन्हें अच्छा लगता है। अगर आप तुला राशि वालों को पुरुषों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा और इन उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की कला आप में होनी चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।